गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे दोस्तों। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज है थर्सडे, ठीक है। हम लोग हॉलीडे से वापस आ गए हैं, तो अभी मैं स्कूल जा रही हूँ। वापस तो हम लोग काफ़ी दिन से आए हैं, लेकिन अभी मैं स्कूल जा रही हूँ। पुराने वीडियो जो थे वो अपलोड कर रही थी। तो ये देखिए जी, मेरे बच्चे गेट सेट रेडी हैं दोनों। इसको देखिए जी, ये भी रेडी है और ये भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ, ठीक है जी। तो आज के दिन जो भी सारी मसरूफियात होंगी, जो भी कुछ करेंगे, तो डेफिनेटली आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा और इस तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। चले मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, बहुत ठंड है, ठीक है जी। देखिए अभी हम लोग बाहर आ गए, तो आज क्योंकि उस पर जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी घर नहीं वापस आए, तो वो जैसे ही आएंगे तो फिर वो हम लोग को दोपहर में जो है ना पिकअप करने आएंगे, ठीक है जी। कि आप देख सकते हैं, देखिए विंडी कितना है, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बच्चों को मैं हेड ऊपर करो, चलो हेड करो, हेड लो ऊपर करो, शाबाश ऐसे। तो चले या हाँ जी, वो देखे जी शाली ने भी हेड ले लिया, क्योंकि बहुत ठंड है। तो चले मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, बाहर का वेदर है देखिए। तो काफ़ी वो है, जैसे मिस्टी साथ है, मतलब क्योंकि ठंड है अभी, सनी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखे दोनों वॉक कर रही हैं मेरे साथ। तो बस स्कूल पहुंच के तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है जी। तो हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। तो बस ये है कि बस अभी हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी जो है ना ठंड है, बहुत काफ़ी नहीं, बहुत ठंड है आज। तो चलें मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद, ठीक है जी, स्टे विद मी। ये देखिए, ये क्लिप था मेरे पास, ये क्रिसमस का वो जो जितनी भी सारी डेकोरेशन और शॉपिंग शुरू है, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैं M&S में गई थी, तो वहाँ पर ये सारा देखा कि हाउ दे डेकोरेट द क्रिसमस टेबल, और क्रिसमस की सारी डेकोरेशंस जो थी ना वो बाहर आई हुई हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इन कंट्रीज़ में अक्टूबर के एंड पे वो शुरू कर देते हैं क्रिसमस की सारी डेकोरेशन शॉपिंग और यू नो ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वन ऑफ द माई फेवरेट रीथ थी, जो मुझे बहुत पसंद आई। और ये बकाया सारे ऑर्नामेंट है जो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई मैं देख रही हूँ तो क्यों ना मैं अपने YouTube फैमिली को भी दिखाऊँ। तो ये छोटा सा क्लिप मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया था। तो ये रेडी हो गई है, गेट सेट रेडी हो गई है बाहर जाने के लिए। तो बस हम जा रहे हैं बाहर। बाहर जो है ना धूप भी है, लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है। शाली भी बाहर आ जाए। यहाँ पर मैं बाहर निकलकर शालिन का वेट कर रही थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ट्विंकल मेरा वीडियो बना रही है। तो ये देखिए जी, मैं शालिन को कह रही थी शालिन जल्दी बाहर आओ, और साथ साथ मैंने कहा चले भाई मैं यहाँ खड़ी होकर अपनी बेटी का वेट करती हूँ। तो ये छोटी जो है ना, ये बड़ी चलाकू, इसने मुझे कहा देखे बगैर ही, मुझे नहीं बताया कि मेरी वीडियो बना रही है। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अच्छा क्लिप है, मैं लगा देती हूँ। तो ये देखिए जी, मेरी बेटी बाहर आ गई। तो ये जो वीडियो है, ये 2-3 दिन का वीडियो है, जैसा कि आपको पता है कि मैं एवरी डे अपलोड नहीं करती, 2-3 दिन के बाद अपलोड करती हूँ। तो आई होप कि आप लोग ये वाला वीडियो एंजॉय करोगे, क्योंकि ये 2-3 डेज का वीडियो है। तो आज बच्चों को लेके शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो चले आप भी हमारे साथ चले शॉपिंग करते हैं। चल रही है देखे मेरी बेटियाँ, अभी हम जा रहे हैं। चलो या लेखे जी, आज उसने न्यू जीन्स पहनी है अपनी, उसको बहुत पसंद है। इसने भी न्यू वाली पहनी है, इसको भी बहुत पसंद है। तो बस कोशिश करती हूँ कि इनके लिए वो चीज़ें बाय करूँ जो इनको पसंद है और जो अच्छी भी हों, जो अच्छी भी लगे। तो कोशिश ये ना है ना, हर माँ कोशिश करती है, तो मैं भी कोशिश में हूँ कि बच्चों को अच्छे तरीके से ब्रॉटअप करूँ। तो चलें मेरे लवली पीपल, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, ठीक है जी। टाउन जाके फिर मैं मिलती हूँ, बाय बाय। आज स्पेशल शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जैसे हो जाएगी फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। चले जी, ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं बस पे बैठ के टाउन सेंटर। तो बच्चे मेरे एंजॉय करते हैं बस में बैठना, और मुझे भी अच्छा लगता है, यू नो लाइक एक एंजॉय हो जाता है, क्योंकि एवरी डे आप गाड़ी में जाते हो, स्कूल उतरते हो, फिर स्कूल जाते हो, घर आते हो,
तो अच्छा लग रहा था। हम लोग बस में थे, मैं कुछ बोल रही थी लेकिन क्योंकि पीछे से काफ़ी लोगों की आवाज़ें आ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर ही बेटर है, कि मैं वॉइस ओवर ही कर दूँ। तो चलिए अभी साथ ही अभी हम टाउन पहुँच कुछ कर रही थी, अभी उधर से आई हैं। और ये देखिए जी, ये हमारी क्रिसमस शॉपिंग है, ये सरप्राइज़ है, जब मैं क्रिसमस ट्री डेकोरेट करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है जी। तो चले अभी हम चलेंगे। और चलो ये देखिए शैली ट्विंकल जो है ना उन्होंने ले लिए, शैली ट्विंकल की चॉइस का इस दफ़ा क्रिसमस ट्री जो है ना वो डेकोरेट होगा, क्योंकि मुझे दोनों ने कहा था कि उनका कोई फेवरेट कलर है, मम्मी दे वांट टू डेकोरेट द क्रिसमस। आपने कहा है? अच्छा, तो उन्होंने बोला कि हमने अपने क्रिसमस जो ट्री है ना वो इस दफ़ा इस कलर का करना है। तो ये देखिए ये है वो ये राइड है, जब ये छोटी सी थी ना ये ऑलवेज इस पर आकर बैठती थी, इसको बहुत फन थी। शैली भी इस पर बैठती थी और ट्विंकल इस पर बैठती थी। तो एक मैं और आपको दिखाती हूँ, ये देखे जी, ये भी ट्विंकल का फेवरेट राइड हुआ करता था, यह है ना गोगो पोनी, तो इस पर भी ट्विंकल बहुत बैठा करती थी, ठीक है जी। और ये देखे अभी भी उसको दिल उसका कर रहा है कि मैं इस पर बैठूँ। तो ये था फूड कोर्ट था ये, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से इसको ना थोड़ा सा उन्होंने आई थिंक बंद किया था, लेकिन अभी फिर ओपन कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छी जगह, यहाँ पर बड़ा मज़ा आता था बैठ के, चाय कॉफ़ी आइसक्रीम या। तो बस जी अभी ये देखे शैली को, अभी शैली जो है ना इन्जॉय कर रही है क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि क्रिसमस की शॉपिंग की है। तो ये देखे जी, ये सारे यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स होते हैं और ये सब कुछ होता है, बहुत ज़बरदस्त रहता है यहाँ पर और अच्छे प्राइस पे मिल जाता है ये सब कुछ। ये देखे फ्रेश होता है सारा फ्रूट एंड एवरीथिंग। तो ये देखे जी ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये बर्तन है, बर्तन आज पता नहीं क्यों बंद है। तो बस अभी मैं जो है ना वो जाऊंगी दोथी पैकेज। हाँ जी, ये आई थिंक बंद हो गया, हमारे यहाँ पर था तो पता नहीं क्यों उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है जी। तो ये एक बहुत पुरानी शॉप है, अभी शैली ट्विंकल मेरी थी भी नहीं तो ये यहाँ पर थे, तो स्टिल दे आर हियर। तो बस जी चले अभी निकलते हैं बाहर और फिर मैं आप लोगों से बाहर निकल के बात करती हूँ। ये देखिए हम लोग हैं एज़्रा में, और एज़्रा में कह रही हो, ये देखिए जी मैंने सारा B&M से शॉपिंग की है और B&M से शॉपिंग करने के बाद अब हम लोग जाएंगे, बच्चों पता नहीं किधर जाती हूँ तो वो उधर से शॉपिंग करेंगे और फिर उसके बाद जहाँ भी जाऊँगा आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं आपको दिखाती हूँ शैली ट्विंकल क्या कर रही है। चले जी, इतनी दौड़ भाग लगाने के बाद, शॉपिंग के बाद मेरे बच्चों को लग गई भूख और कहते हैं मम्मी हमने ग्रेग्स जाना है, तो मैं इनको ग्रेग्स लेके चली गई। वहाँ से इन्होंने अपने लिए वीगन सॉसेज रोल बाय किया और एक ने चिकन बेक बाय किया। तो बस बच्चे हैं मेरे, जो इनको पसंद आता है मैं उनके लिए लेती हूँ, उनको करके देती हूँ। मेरा दिल था कि मैकडोनल्ड चले जाते हैं, लेकिन वो कहते कि नहीं मम्मी टुडे वी वॉन्ट टू ईट ग्रेग्स। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब मेरी शार्लिन को देखिए, माशाल्लाह जैसे बड़े बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसे ही अब एक्ट करती है। ये देखे इन दोनों को, ये क्या, ये देखे इसको शाली, ये देखे हम वेट कर रहे हैं जी कार पार्क में डैडी का, तो वो बस अभी आते हैं। तो ये दोनों मेरे पास खड़ी हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। ये देखे दोनों को, ये है कार पार्क। और चले मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी हो गई शॉपिंग, ये देखे जी सारी। और एवरी सेकेंड थर्ड डे आना पड़ता है भाई एज़्रा में, तो वो भी वो बल्कि मुझे कह रही थी एज़्रा वाली कि लगता है आपको देख के लगता है कि एवरीडे लोग शॉपिंग करते हैं। ओके चले जी, डैड की कार आ गई है, बस अभी हम जाएंगे फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। हम जो खड़े हैं जी, ये देखिए दोनों मेरी, नहीं नहीं ग्लासेस, हाँ ये देखो दिखाओ, ये पहनो पहनो पहन के देखो। ये देखिए जी ट्विंकल के न्यू ग्लासेस आ गए, ट्विंकल आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए जी ये न्यू ग्लासेस है, ठीक है। और ये देखिए जी, और बस अभी हम यहाँ खड़े, अभी वो आते हैं शादी, फिर हम घर जाएंगे, ठीक है। चले फिर अभी मैं चलती हूँ।